देखिए साहब, ये हास्य कलाकार महेश कब आएंगे? करेक्ट टाइम पे आते साहब, आर्टिस्ट है, 15 मिनट आगे पीछे हो जाता है। अरे भाजो महेश साहब, नमस्ते। कल आपने कहा था मेरे बेटे की शादी के लिए कुछ पैसे देंगे। परसों मेरी बेटी की शादी है। तुम इसको 1000 रुपए दे दो। अच्छा, परसों शादी? परसों ही साहब। ये लो, भगवान आपकी भला करे साहब, भगवान आपकी भला करे साहब। बाबा एक काम करो, उसको टेलीफोन कर दो, जब तक मेरा इंस्टॉलमेंट मेरे को नहीं मिलेगा मैं शूटिंग पे नहीं जाऊंगा। वालेकुम सलाम। तुम लोग क्या कर रहे हो? शूटिंग कर रहा हूँ, मेरी भागवत महिमा की शूटिंग। कौन कौन आदेश हो सर? मैं हूँ, मेरे साथ हेमा है, जितेंद्र धर्मेंद्र वगैरह वगैरह। और तेरे साथ? मैं हूँ और मेरे साथ सहरा बानो है, दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार वगैरह वगैरह। मेरे को मालूम है कौन कौन वगैरह वगैरह तुम लोगों के साथ में, समझे ना? सबको ऑटोग्राफ देता हूँ, एक मिनट। एक तुम लोग कॉलेज की लड़कियाँ हो? जी हाँ। आज कॉलेज नहीं है? हम लोग शूटिंग देखने आए हैं। कॉलेज है और शूटिंग देखने आई है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है पढ़ाई छोड़कर एक्टरों के पीछे भागना। आपको जो देखना था। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम बी आर चौरंजिया। क्या? बी आर चौरंजिया। ऐसे मैं कुछ फिल्म मैगजीनों का रिपोर्टर हूँ और आपकी एक छोटी सी इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। प्लीज बैठिए। थैंक यू। आप कौन कौन सी फिल्म मैगजीन्स के रिपोर्टर हैं? जी, पहली फिल्म मैगजीन का नाम है स्टार्स आर स्टेल, दूसरी का फिल्म फार्स और तीसरी का स्टार बस। ऐसी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? महेश साहब, मेरा पहला सवाल ये होगा कि जैसा कि मैंने अभी गेट पर देखा, पब्लिक आपकी बहुत जयजयकार कर रही थी, और खासकर जब आपने उस वॉचमैन को 1000 रुपया दिया तो पब्लिक में एक खुशी की लहर दौड़ गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बाकी सारे फिल्म स्टार भी आपकी तरह दरिया दिल है? शायद आपको ये नहीं मालूम कि हम फिल्म आर्टिस्टों को एक सिटी पसंद है। जी नहीं, कौन सा सिटी? पब्लिसिटी। दैट्स वेरी गुड महेश साहब। जी, मेरा कहने का मतलब ये था मिस्टर चौरंजिया। हाँ मिस्टर चौरंजिया जी, 1000 रुपए तो मैंने दिया उसे। हाँ जी, और वो 1000 रुपए देते वक्त 200 आदमी ने देखा। बेशक, वो 200 आदमी जाकर 2000 से कहेंगे। जरूर कहेंगे। वो और वो 2000 4 लाख से कहेंगे। कहेंगे। इसी तरह मेरी पब्लिसिटी होगी, लोगों में मेरी जयजयकार होगी और लोग कहेंगे कि महेश कितना अच्छा आदमी जो गरीबों की खिदमत करता है। तो यानी आपका मतलब है कि सब फिल्म स्टार पैसे सिर्फ इसी एंगल से देते हैं? 99.9 समझ लीजिए सब ऐसे देते हैं। वैसे अगर वो वॉचमैन अकेले मेरे घर आता जी, तो मैं उसे 5 या 10 रुपए देता। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट नोट इट डाउन। मेरा दूसरा सवाल ये है महेश साहब, सुना गया है कि आप सिर्फ किसी एक मजहब में नहीं मानते बल्कि सब मजहबों में मानते हैं, यानी आप चर्च भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं, ये क्या सच है? बात दरअसल ये है मिस्टर चौरंजिया। हाँ मिस्टर चौरंजिया, हम फिल्म आर्टिस्टों का कोई मजहब नहीं होता जी, हमारा मजहब है एक्टिंग। आई सी। मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ और चर्च में भी जाता हूँ। वेरी गुड। वैसे मेरा नाम महमूद है, फिल्मी नाम महेश है, लेकिन जहां भी मैं जाता हूँ दुआ अपने ही ढंग से मांगता हूँ, जैसे कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। अपने दोनों हाथ ऐसे कर लेता हूँ और दुआ में मांगता हूँ। बहुत मुतस्वी जवाब है साहब जी। मेरा मतलब है बहुत मजहबी जवाब है। अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मिस्टर महेश, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये कि आपकी लास्ट एम्बिशन क्या है?
यानी कि आप जिंदगी में और क्या करना चाहते हैं? जिंदगी में मैं, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं तीन काम करूं। जी मिस्टर चिरंजिया। यस मिस्टर चिरंजिया जी। एक तो मैं ये चाहता हूं कि अपने देश में, अपने कंट्री में डिज्नीलैंड बनाऊं। अमेरिका की तरह बच्चों के लिए? जी वेरी गुड वेरी गुड। और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक मंदिर बनाऊं, मस्जिद बनाऊं और चर्च बनाऊं, तीनों इकट्ठे हों, बाहर से तीनों अलग अलग लगे, जब आप अंदर जाए तो बीच में कोई दीवार ना हो। वेरी गुड मिस्टर महेश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और तीसरी? तीसरी और आखिरी ख्वाहिश यही है कि इसी तरह लोगों को हंसाते हुए मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। वंडरफुल महेश साहब, मैंने बहुत से फिल्म स्टारों का इंटरव्यू लिया है मगर आपकी तरह फ्रैंक और साफ को कोई नहीं देखा। ये सब मेरे गुरु के आशीर्वाद है। आपका गुरु कौन है? श्री आईएस जौहर। आई लो, आपसे पहले मैं उनका इंटरव्यू लेकर आया हूँ। अच्छा, मगर उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो यहाँ बताने के काबिल ही नहीं। नमस्कार। 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 ए बाबा, तुम क्या इतना टाइम लगा रहा है? तुम्हारे नाम से डायरेक्टर बूमा बूम कर रहा है। अरे मैं इंटरव्यू दे रहा था यार, प्रेस वालों को भी इज्जत देनी पड़ती है। तो उन्हें सब आर्टिकल वेट कर रहे हैं ना तुम्हारा। अरे तुम जाओ ना यार, मैं आता हूँ। अरे हम जाके हमको एक दिन थोड़ी करना, एक दिन तो तुमको करना चालो ना। अरे मैं कपड़े बदल के आता हूँ ना। नहीं जी, डायलॉग्स तो आपको याद है, बस एक बात याद रखिए कि लड़की को फंसाने के लिए उसे इमोशनल करना पड़ता है, बस ये वो। हाँ समझ गया, समझ गया। आ भाई चकी, आई एम रेडी। स्टार्ट साउंड। रोलिंग। कैमरा 33/7 टेक वन। एक्शन प्लीज। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारे लिए तो प्यार भी एक मजाक है। शोभा, शोभा तुम नहीं जानती कि मेरी लाइफ में कितनी ट्रेजेडीज है। मेरे होठ हंसते हैं लेकिन मेरा दिल रोता रहता है। तुम्हें नहीं मालूम शोभा, मेरी जिंदगी के पीछे कितने गम है, कितने गम है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ऐसा ना कहूं महेश, मैं तुम्हारे दुख समझने की कोशिश करूंगी। सच फंसी। बाबा क्या मेकअप रूम में ब्यूटीफुल इतनी देर से छोकरी बैठी है, उसका क्या? अच्छा क्या तूने याद दिलाया, चल साथ में। अरे तुम वहां बैठी हुई हो? ए बाबा। हाँ बा। तू बाहर जाना। समझिएगा। अरे ये क्या, इतना पसीना? कुछ नहीं। घबरा रही हो? नहीं तो? तो फिर जरूर कुछ सोच रही हो? हाँ। क्या? यही कि आप कितने अच्छे हैं, सारी दुनिया को हंसाते हैं। यही तो मेरी लाइफ की ट्रेजेडी, मैं सारी दुनिया को हंसाता हूँ और खुद रोता हूँ। मैं होठ हंसते लेकिन मेरे दिल से आंसू टपाटप टपाटप बहते। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। तुम चाहो तो एक कॉमेडियन जो दुनिया को हंसाता है और खुद रोता है उसे हंसा सकती हूं। तुम चाहो तो मेरी अंधेरी दुनिया में उजाला कर सकती हूं। तुम चाहो तो मुझे गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ देख सकती हो। मैं अगर आपके कुछ काम आ सकती हूं तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी। सच तुम ये दिल से कह रही हो? ऐसा तो नहीं कि मैं तुम पर कुछ जबरदस्ती कर रहा हूं? बाबा मधु मेम साहब का फोन है। अरे तुम यही ठहरो, मैं भी आया। चल बाबा साथ में। चलो बाबा। हेलो मधु। जी। तुमने मुझे कल फोन क्यों नहीं किया? मैं कल दिन भर बहुत परेशान रही। क्यों?
क्या बात हुई? परसों रात आपसे मिलकर गई तो पता नहीं तरह तरह के ख्याल आते रहे। सोई तो अजीब सा सपना देखा, पता नहीं मुझे अजीब सा डर लगा रहता है। अच्छा आप जल्दी आ रहे हैं ना? आएंगे क्या, तुम्हारे बाजू तो हो। ए बाबा मेरी लाल गाड़ी आई। वो तो कब की आई लिए बाबा? तो मैं जाता हूँ। बाबा बोले मेकअप रूम में ब्यूटीफुल छोकरी बैठी है, उसका क्या? तू उसका एड्रेस ले ले, बाद में काम आ जाएगी। क्या सोच रहे मधु? सोच रही हूँ आप बहुत बड़े सितारे हो, बहुत ऊंचे, शायद आपके नजदीक मैं ना पहुंच सकूं। उल्लू का पट्ठा सितारा कितना ही बड़ा हो चांद से छोटा होता है। होता नहीं, दिखाई देता है, वो भी बहुत ही दूर से। तुम फिर बात में बात बनाती रहती हो, तुम साफ साफ कहो ना तुम्हारे दिल में क्या है। मैं गरीब लड़की हूँ, आपके पास तो सब कुछ है, नाम है, दौलत है, शोहरत है, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मेरे हो सकेंगे? मैं तुम्हारा हो चुका हूं मधु। मैं तो सिर्फ आपसे प्यार किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। लेकिन आपको प्यार करने वाले ना जाने कितने होंगे। ये तुम क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही हो आज? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मुझ पर शक कर रही हो? ना ना, शक आप पर नहीं, अपने मुकद्दर पर है। शायद मुकद्दर मुझसे मजाक कर रहा हो। मैं इस मजाक को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मधु, मैं आज ही तुमसे शादी करूंगा। मधु अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं। तुम जानती हो कि मैं फिल्मों में काम करता हूं, दिन रात शूटिंग करता हूं। हो सकता है मैं तुम्हें इतना वक्त ना दूं जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे? आप तो जानती हैं मैं क्या हूं, आप जैसे बड़े आदमी की पत्नी बनने के लायक मैं नहीं हूं। आपने तो उपकार किया है मुझ पर, और जिस पर उपकार किया जाता है वो शिकायत नहीं शुक्र करता है। मेरे ज़बान पर शिकायत का लफ्ज कभी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। भाईजान मुबारक हो। भाईजान के बच्चों नीचे उतरो। आप लोग मेरी सुहाग रात को सुनसान रात बनाने आए हैं? मेरे प्यारे दोस्तों इस वक्त आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम आपके लिए प्रेजेंट लाए हैं। ये क्या है? खोल के देख लीजिए। मुर्गी? मुर्गी नहीं, अंडा। हमें उम्मीद है कि आप भारत की जनता का ख्याल रखेंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि देश में गल्ला है कम और आबादी है ज्यादा, इसीलिए आप मुर्गियों की तरह अंडे ना बढ़ाएं। देखिए मैं आप लोग हाथ जोड़ता हूँ, क्यों मेरी रात बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? मेहरबानी करके ऐसे जाइए, मैं आप लोग हाथ जोड़ता हूँ। हम जाते हैं जाते हैं। मेरी सुहाग रात बर्बाद करने आए थे। मधु मधु ये देखो मेरे दोस्तों ने क्या दिया मुझे, मुर्गी। ये एक खेप में 40 अंडे देती है, उसमें से 0 निकाल दीजिए। अच्छा देखा ये कैसे अंडा देती है? देखो 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 बच्चे एक दिन देखो पिंग टांग पिंग पांग यू शूटिंग कैंसिल। मत ले जाइए। क्यों? फिर कबाज आएगा। लो आजा बेटा, शून्य बेटा। अच्छा आप ये बताइए आप क्या कर रही हैं? पक्की अकेला है ना,
मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। और अब ये जो पक्के बाप ऊपर जाएगा अकेला रहेगा तो? आप ऊपर जाइए, मैं आती हूँ। ये देखो ये देखो, कुकु कुकु, मुर्गी क्या बोले कुकु कुकु, ये मुर्गी बोले कुकु कुकु। मम्मी ये मुर्गी अंडा देती है देखो। नहीं 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 पक्की, नहीं नहीं पक्की, अंडा नहीं चाहिए, अंडा नहीं चाहिए। अरे ए मधु, अब कहाँ जा रही हो? बच्चे जाग रहे हैं, मैं उनको सुला के आती हूँ ना। वो आया कहाँ, मर गई? सोई है बेचारी। बच्चों के लिए बच्चों जैसे आया रखोगी तो ऐसे ही होगा। ओहो बाबा, मैं उनको सुला के आती हूँ ना। अब इतने से किया और चली गई। अकेले उधर जा,
प्यार के बीन बजे ना अकेले तू जरा साथ निभाजा ए मधु क्या रोजाना गाना गाना पड़ेगा तो अच्छी सी गवर्नेंस क्यों नहीं रख लेती रख लिया ना बाबा अच्छी है पढ़ी लिखी है नमाश है आशा तुम भी बच्चे के साथ बच्चे जैसे हो जाती हो चल दूध पिलाओ अच्छा बस बस मैकी पी लो बाबा बुखार है मैकी को बुखार है मधु मैकी को पोलियो का सीरियस अटैक हो गया है मेरी डॉक्टर ऐसा मत कहिए आप मेरा बेटा को अच्छा कर दीजिए आई एम सॉरी मधु इस बीमारी का कोई इलाज नहीं नहीं डॉक्टर कोई इलाज नहीं कोई इलाज नहीं कोई इलाज मेरा बेटा मेरा मैकी ऐसे रहेगा डॉक्टर मधु ज्यादा मत सोचो मैकी के बारे में उसके इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई हम लोग तो खुश नसीब है कि उसका इलाज करा सकते हैं उन गरीबों के बारे में सोचो जो इलाज भी नहीं करा सकते हमारा बच्चा माजूर तो रहेगा लेकिन मजबूर नहीं रहेगा न जाने मेरे मैकी को ऐसा क्यों हो गया ये क्या मुझे फैसिलिटी देकर आप खुद रो रहे जाइए आपकी शूटिंग का वक्त होता है जाइए जानती बिंदु मेरी लाइफ में कितनी ट्रेजेडीज है अब देखो ना कल मेरे बेटे मैकी को पोलियो हो गया तुम क्यों फिक्र करते हो तुम्हारा दुख बांटने के लिए मैं जो तुम्हारे साथ हूं साहब मधु मैम साहब आ रहे हैं अरे नमस्ते बिंदु जी नमस्ते अरे मधु आना बाहर क्यों खड़ी थी मधु मैकी ठीक है ना जी ठीक है वो क्या हुआ मालूम वो सीन वो शूटिंग चल रही ना तो मैं डिस्कस कर रहा था बिंदु के साथ में कि सीन कैसा होना चाहिए बाद में सोचा था कि मेकअप करूंगा इतने में तुम आ गई मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ आपने कहा था ना सूट बनवाना है कौन सा कलर का बनाऊं वो मधु वो कोई भी कलर चलेगा कोई भी कलर चलेगा हाँ ठीक है अरे ठहरो ना आपको काम करना है और मुझे भी शॉपिंग जाना है मधु क्या बात है पीली पड़ गई हो चलो चेकअप कर ले नहीं डॉक्टर चेकअप करने से कुछ पता नहीं चलेगा मुझे आजकल नींद नहीं आती नींद नहीं आती हाँ घर में कुछ परेशानी है मैंने अखबार में पढ़ा था मिस्टर महेश नहीं नहीं ये सब खबर ठीक नहीं है मैं अब स्टूडियो से आ रही हूँ अखबार वाले ने गलत लिखता है बात यह है कि मैं घर के कामकाज में थक जाती हूँ और ऊपर से मैकी बीमार है बस ये सब चीजों से मैं परेशान हो जाती हूँ और मुझे नींद नहीं आती मधु इतना मत सोचा करो अपने आप नींद आ जाएगी नहीं डॉक्टर मैं आज
आजकल बहुत सोने की कोशिश करती हूँ पर नींद नहीं आती। अच्छा मैं तुम्हें कुछ गोलियां देती हूँ, देखो अगर नींद नहीं आएगी तो इसमें की एक गोली खा लेना, लेकिन ज्यादा खाओगी तो उठ ना सकोगी। वादा करती हूँ एक ही गोली खाओगी, एक ही गोली खाओगी। जॉन, जॉन मैं तुम्हें मिलने के लिए कितना तरस रही हूँ। मैं भी तो तरस रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। तो फिर आए क्यों नहीं जॉन? क्या करूँ? क्यों, क्या हुआ जॉन? मैं तो जनसंख्या बढ़ाने वाली है, बस दो चार दिन और। जॉन 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 तुम बोलते क्यों नहीं? खुश हो गए हैं, अब कल उनसे स्टूडियो में मिल लेना। कौन सा? आज शाम को पैकअप के बाद फिर होटल कचहरी चले आना, मैंने वहां एक कमरा बुक किया है। पहले खाना खाएंगे फिर खाना खाएंगे। अच्छा तो आजकल बिंदु के साथ चल रहा है? ए डिकरा बात बाहर नहीं जाए। हाँ अंदर आई, अंदर आई। बहुत अच्छी। सच? मैं तो क्या झूठ, बस इसी तरह सजी धजी रहो। अब ऐसी रहोगी? चलिए। कहाँ? प्रेसिडेंट, मैंने डिनर टेबल बुक करवाया। प्रेसिडेंट में डिनर टेबल? आज कौन सा दिन है? आज सैटरडे, हमारी शादी की सालगिरह है, भूल गए ना? कैसी बात कर रही हो, अगर भूल जाता तो इतनी जल्दी क्यों आते स्टूडियो से? आप हमारे लिए आए? नहीं तो फिर और किसके लिए? अब मधु और सुनो, प्रेसिडेंट के बजाय अगर हम लोग अगर सरन सहन गए तो? नहीं, हर सर जहाँ जाते हैं वही जाएंगे। हाँ ये तो जरूरी है, वही जाना चाहिए। जाना चाहिए तो बैठे क्यों? चाहिए, तैयार हो जाइए। अभी तैयार होके आता हूँ। आशा? यस। बच्चे लोगों को खाना खिला के सुला देना, हम लोग बाहर जा रहे हैं। ओके। Bye.
मधु मेरे पेट में कुछ गुनगुन हो रहा है, मैं जरा जेंट्स रूम जाकर आऊं, तुम तब तक डाइनिंग टेबल पे बैठो। हाँ ठीक है। कमिंग। आशा मधु आई? यस सर, वो एकदम से तबीयत खराब हो गई तो आपके लिए वेट नहीं किया। कहाँ है? बेडरूम में। अगर उनसे कुछ हो गया तो मैं कहीं कर रहूंगा। सॉरी भाई, मुझे जरूरत से ज्यादा पीस खा ली है, उनकी बात कम है। डॉक्टर की कमी में तो कौन थी? डॉक्टर फिर कभी कर दूं तो? आज अगर हो जाता तो बहुत अच्छा, सिर्फ एक शॉट, एक तुम्हारा क्लोजअप, याद है ना? जो रह गया था उसमें हंसना है, पागलों की तरह हंसना है। ठीक है, कोई कंटिन्यूटी? कोई कंटिन्यूटी नहीं, एक कपड़े चलेंगे, एक छोटा सा क्लोजअप। अच्छा चलें। अच्छा, मैं करता हूं। हाँ। शाबाश, यू आर ऑल राइट महेश। यस सर। मुझे हंसी चाहिए एकदम पागलों जैसी। आई ट्राई सर। Fans off. Silence, quiet please. Fan off. Abdul. Silence. Right. अरे पंखा बंद करो। 75 का लेंस है ना? वाइड स्क्रीन को संभालना। Ready महेश? Ready sir. Start sound. Camera. 76x12 take one. Action. क्यों आप मुझे कुछ गड़बड़ था? सुनो एक बात कहनी, तुम अस्पताल चले जाओ। आत्मा जी मैं तुम्हारे वहां जाना बहुत जरूरी है। आत्मा जी मैं 2 मिनट में काम खत्म करके चले जाऊंगा। भाभी जी अब इस दुनिया में नहीं थी। क्या मैं काम करूं? काम ही मेरा भगवान है। मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा। आत्मा जी आप मेरा शॉट लीजिए, फुल लाइट्स।
26/12, take 2. मधु, तुम मुझे छोड़ कर क्यों चली गई? पक्की हिंदुस्तानी नारी निकली ना, बगैर कुछ कहे चली गई। अगर मुझे कुछ खराबी थी, खामी थी, तो कह दिया होता। सर, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता। सर, तुम कुछ कहना चाहती हो? सर, I'm sorry, but सर, सर मेरे घर से चिट्ठी आई है और मेरी शादी होने वाली। खुदा की खेल भी अजीब है, कोई खोता है, कोई पाता है। आशा जी सर, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम जाओ, लेकिन मुझे मेरे बच्चों की फिक्र है। नहीं सर, आप बच्चों का फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मेरे पास एक अनाथ लड़की है, पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत प्यार से संभाली। मैं उसे यहाँ भेज दूंगी। और सर, आपके साथ जो ए बाबा, आप उनके पास सैटरडे संडे फ्री है, एक प्रोड्यूसर अवेला है डेडू। नहीं रुस्तम जी, आज के बाद सैटरडे संडे मैं शूटिंग नहीं करूंगा। सैटरडे संडे मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगा। वो आशा ने कहा था कि मैं एक नौकरानी भेजूंगी। अरे भैया, वो तो कब की आयली है, बोलो। साबुन, ए साबुन दाए। अमर साबुन है नहीं जी, साबुन। वनकम यजमान। तुम मद्रास की हो? हाँ माँ। अच्छा देखो, तुम्हारा मेन काम ये है कि तुम बच्चों को संभालोगी, उन्हें साफ रखोगी। परवाही ले सर, आप फिक्र मत करना। और इस घर को भी साफ रखोगी? अमर सब साफ कर देगा। अरे बाबा, इसको जाके काम समझा दे। चल साहब। ए लांड्रे, हम तुमको बोला हमारा नाम साबुन नहीं, साबु। अच्छा अच्छा साबु, चल। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कॉमेडियन है जी। What? इंडिया टॉप कॉमेडियन। जोकर जोकर जोकर। Hey, Janis, you know that guy is? He's a comedian, yeah. What a tragedy. He's a comedian and a comedian playing a maid servant. Hey, listen, were those kids with him? मैम साहब, सानू हमको अंग्रेजी हिंदी। ठीक है ठीक है, हमको हिंदी आता। वेरी गुड वेरी गुड। वो बच्चा कौन लगता है? मैम साहब, वो बच्चा महेश बाबू का है, वाइफ डेड। सी, दोस आर हिज किड्स, हिज वाइफ डाइड, यू नो, दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग केयर ऑफ देम। ये सब तुमको कैसे मालूम है? मैम साहब, एक्टर लोग न्यूज एवरी डे इन पेपर वी रीडिंग। I'm going to take this picture. Okay. Excuse me. Excuse me. I'm so sorry. I took your photograph without your permission. Yes, yes, yes. Are these all your kids? No, 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 no. What?
मेम साहब हमको इंग्लिश नहीं आता है, बहुत लिटिल इंग्लिश आता है। तो तुम हिंदी भी बोल सकते हैं? हाँ? आप आपको हिंदी आता है? थोड़ा थोड़ा। आपका नाम महेश है ना? महेश? हाँ मेरा नाम महेश है। आप इंडिया का बहुत बड़ा कॉमेडियन है ना? हम नहीं बोलता, सब लोग बोलते हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम? वो मेरा वेटर ने बोला। लेकिन आप इंडिया में क्या करता? मैं वर्ल्ड टूर पे निकला, मैं अखाड़ दुनिया घूम के आया, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मैंने वो नहीं देखा जो मैंने आज देखा इंडिया में। क्या? एक बाप अपने बच्चों को इतना प्यार देता मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तुम्हारा वाइफ मर गया ना? हाँ, मेरा वाइफ मैं। ओके ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। आई वुड लाइक टू सी शूटिंग। आपको शूटिंग देखने का? या। तो आप कभी भी सुबह 9 बजे से पहले घर पे आ जाओ। ओह थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा एड्रेस आपको मालूम? ओह यू आर सो फेमस, आई विल बी एबल टू फाइंड योर एड्रेस। ओके यार, डू यू माइंड इफ आई कीप दिस पिक्चर ऑफ योर्स? नो, यस, नो। ओके ओके देन, बाय बाय। बाय बाय। स्कूल में गड़बड़ नहीं करना, बराबर पढ़ना और मस्ती नहीं करना, समझा? ए साबू, तुम जाके बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करो, मैं इन्हें तैयार करके भेजता हूँ। एक मिनट में करता साहब। मेरा लक्की बेटा, मस्ती नहीं करना। साबू दीदी को जाओ। मिस्टर महेश। चलो चलो चलो। अरे ट्रेसी, यू हियर कम? अरे ये क्या, तुम्हारे आंख में आंसू? मैं तुम बाप बेटे लोग को खुशी देखे तेरे से इमोशनल हो गई। ट्रेसी, तुम नहीं जानती हो कि मेरे लाइफ में क्या ट्रेजेडी है। मैं दुनिया को हंसाता हूं और खुद रोता हूं। मेरे होठों पर हंसी होती है लेकिन मेरा दिल रोता रहता है। मेरी खुशियों के पीछे कितने दुख है वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। मैं तुम्हारे दुख समझता महेश। एक बाप कितने भी करें वो मां नहीं बन सकते। आई विश दैट आई कुड हेल्प यू। क्या? आई मीन इट। लेकिन कैसे? मैंने सुना है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। पूरा कंट्री बोलता है कि कॉमेडियन महेश बहुत चैरिटी करता है। ये तुमने लोगों से सुना है? लोग मुझे और जो खाल मैंने अपने जिस्म पर पहनी है उसे जानते हैं। तुम प्रॉमिस करो, मगर अगर तुम प्रॉमिस करेगा तो तुम प्रॉमिस तोड़ना नहीं। प्रॉमिस करता और प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। हम तुम्हारे बच्चों का मां बनना मांगते हैं। हाँ, तुम मेरे बच्चों की मां बनोगी। मॉडर्न है ना? यस। क्या मजाक है? अच्छा कोई बात नहीं, हाथ पे लिख दीजिए। हाँ हाथ हाथ लिख सकता हूँ, लेकिन कोई खास बात लिखिएगा। अच्छा। चीज बहुत पसंद है। क्या कहीं हिंदी जानती है? हाँ मैं तुम्हारे जैसे छोकरी लोग को भी जानता है। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, क्या
कि मैं जो ये जो आज मेरे पास रिस्पेक्ट है ना, जो मेरा नाम है, मेरे पास गाड़ी है, घर है, ये सब पब्लिक का पैसा है, इसलिए मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। पब्लिक प्रॉपर्टी है तुम स्क्रीन के ऊपर है, वैसे तो तुम मेरा प्रॉपर्टी है समझे, और ये प्रॉपर्टी को मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करना मांगता। बॉय बिल्ला साला, ये फिल्म आर्टिस्टों को शादी नहीं करना चाहिए। तुम कुछ बोला है? नहीं। लव लव, जो तुम खाई को चिल्लाता हमको सुना नहीं आता है, मैं भेड़ा नहीं है। तू उधर क्या कर रहा था? बच्चनों के एग्जाम है ना, मैं वो लोगों को पढ़ा रहा था। अभी बाप को भी तो पढ़ाओ। ये देखो हम तुम्हारे हाथ तक क्या लाए। आप दो दो बनाया? एक तुम्हारा वास्ते, एक मेरा वास्ते। आल्सो लव यू लव, 1 2 3 4 5 6 टाइम। हेलो हेलो, महेश जी हैं? अच्छा तो तुम फिर फोन किया गधे का बच्ची। नेक्स्ट टाइम तुम फोन करेंगे तुम्हारा सर फोन के अंदर फोड़ देंगे, याद रखो। देख दो रख दो। छोकरी लोग इतना तुमको फोन क्यों करते रहते? छोकरी लोग फोन नहीं करेंगे तो क्या छोकरे लोग फोन करेंगे? मेरे को क्या मालूम? हमको मालूम है काय को फोन करता। तुम छोकरी लोगों को फंसाते ना, इसके लिए फोन करते। नहीं ना, हम नहीं फंसाता, वो लोग खुद फंसता है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये बच्चनों का टॉय। तुम टॉपिक चेंज मत करो। मैं टॉपिक नहीं चेंज करता, लेकिन क्या है ये? ये मुर्गी है। मुर्गी इसको तुम दबा के देखो। क्यों? देखो देखो मजा आएगा तुमको। ये देखो, ये मेरा पाव भारी नहीं है, मेरा पेट भारी है। तुम्हारा साथ तुम मेरे को एक साल को भी तो कैप नहीं देता। साथ को बच्चा लोगों का बहुत है। ये बच्चा आने के बाद 5 बच्चा और होएगा तो इंडिया का पूरा क्रिकेट टीम रेडी। अयो बाप रे, तुम्हें मर जाएंगे साबू। साबू आपको मरने नहीं देगा। ये बच्चे का बाद फुल ये देखता आप। हाँ ये तो मुर्गी है, ये मुर्गी नहीं, इसको उठा के तोड़ के फेंक दो। नहीं साबु, तुम ऐसा करेगा तो हमारा साहब हमको गुस्सा करेगा। साहब का परवाह इल्ले, आप नहीं तोड़ेगा तो हम तोड़ेगा। फैमिली प्लानिंग। डार्लिंग आ रहे हो ना? हाँ क्या रहा हूँ, पैकअप हो गया, कपड़े पहन के रेडी हूँ, बस निकलने वाला हूँ। कौन सी होटल में रूम बुक किया है? होटल प्रेसिडेंट। आज रात मेरी हुई ना? आज की रात क्या मेरी जान, मैं तो चाहता हूँ कि हर रात तुम्हारी हो, और उन रातों के अंधेरे में मैं हमेशा हमेशा के लिए खो जाऊं। चीट कम सुन मेरी जान, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। बाबा फास्टन योर सीट बेल्ट। क्यों बब्बू होने वाला है क्या? बाबा मैडम आ गया, वो भी रेड कपड़े में, डेंजर सिग्नल। तू खिसक में संभालता हूँ। इवनिंग मैडम। ये क्या बोला है? वो बाबा कुछ भी बोलता है, लेकिन तुम इधर कैसे आ गया? क्यों तुमको अच्छा नहीं लगा? मेरे को अच्छा तो नहीं लगा, मैं अच्छा बहुत अच्छा लगा। अब पैकअप हो गया ना? हाँ पैकअप तो हो गया, लेकिन पार्टी में जाने का है। नो पार्टी। व्हाट? तुमको याद नहीं क्या आज कौन सी दिन है? आज सैटरडे। आज हम लोगों को वेडिंग एनिवर्सरी है, तो कौन है होटल प्रेसिडेंट? होटल प्रेसिडेंट, होली जीसस। मेरे को बाथरूम में जाने का है, तुम डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं अभी आता हूं। हाँ okay.
तुम नहीं जानती हो डार्लिंग, मेरी लाइफ में ट्रेजेडी नहीं ट्रेजेडा है जो तुम्हें दूर कर सकती हो। बच्ची डार्लिंग। अच्छा तो ये तुम्हारा बाथरूम है? नहीं ये मेरा संडास नहीं बाबा। डार्लिंग ये लड़की को मैं कब से समझा रहा हूँ कि शादीशुदा आदमी के साथ में ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये सब तुम उसको चावल पहन के उसको समझाता था? अरे मैंने तुम्हारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, मैं मेरे कंट्री को छोड़ा, मैं मेरे माँ बाप को भी छोड़ा, मैं तुम्हारे बच्चों को मेरा बच्चा समझ के मैंने प्यार दिया और तुम हमारे साथ में ये करता? लव? अरे लव तुम्हारे ये लव? लव? अरे मर गया तुम्हारा लव, मेरे को नहीं चाहिए लव। मत करो मालकिन, भगवान अच्छा करेगा। मेरे को मेरे बच्चों का फिक्र है साबू, आप कैसा बात करता मालकिन? अरे बस टाइम दिए, मैं बच्चों को बुलाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, मिस्टर महेश टू सी यू। मेरे उसको बोले देखता बोलते उसको बोले ऐसे चारे के लिए। एक्सक्यूज मी सर, मेम साहब आपको मिलने को नहीं मांगता। मम्मी, मेरे दो बेटे भी मेरे ही बेटे, सबको बुलाओ। पंकी लगी मालकिन सब बच्चे लोग को बुलाया। शादी करना नहीं देना, क्योंकि मेरे को नहीं मांगता हमारे डैडी तीसरा सिंह करे, तीसरा मर्डर, तीसरा
मैं पूरी मैंने अपनी दोनों बीवियों का खून किया है। मैं खूनी हूं, मैं खूनी हूं। मैंने उन्हें रिवॉल्वर से नहीं मारा, छुरी से नहीं मारा, लेकिन बेईमानी की, उससे बेवफाई की, इसलिए दोनों मुझे छोड़ कर चले गई। अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है। खून करने वाले को तो फांसी होती है, उम्र कैद होती है, सजा मौत होती है। मैंने अपनी दोनों बीवियों का खून किया, मुझे कोई सजा नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे क्या अब्बा अब्बा मैंने तुम्हें छोरे नवाब बनाया, तुम्हें कुंवारा बाप बनाया और तुम्हें नेकी राम बनाया, और आज तुम लोग मुझ पे हंस रहे हो। जाओ, तुम्हारे को पैदा किए ये हम नहीं हंस रही, तुम्हें हंस रही। तुम लोग मेरा दुख नहीं बांट सकते, तो कम से कम हंसो तो नहीं मुझ पे। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये तो लोने वाली बात है। मैं भैया, मुझे बताओ कौन सी बीमारी है मुझ में, ऐसी कौन सा रोग है मुझ में? मैंने मधु से प्यार किया, मैंने ट्रेसी से प्यार किया, फिर क्यों उन्हें मार डाला? किस लिए मार डाला? कौन सा ऐसा शैतान मुझ में छुपा हुआ? मैं अपने आप पे काबू क्यों नहीं पा सकता? द होल थिंग इज दैट, अरे भाया, मैं तो इतना ही जानू कि हर इंसान में भगवान भी होगा और शैतान भी होगा और नेकी भी होगा और बदी भी होगा। महेश, तुम एक आर्टिस्ट हो और आर्टिस्ट बड़ा जज्बाती होता है, तुम एक इमोशनल आदमी हो। अल्लाह समझ। महेश, ये जो लफड़े चल रहे हैं ना अपने फिल्म लाइन में हिंदुस्तान के अंदर, अल्लाह की कसम ये सिर्फ अपने यहाँ नहीं है, सारी दुनिया की फिल्म लाइन के अंदर यही लफड़े चल रहे हैं बाप। ए महेश, ये जो फिल्म लाइन के अंदर तुम लोग जो काम करते हैं ना, एक छोकरी के साथ में 50 पिक्चर में, और बोलते रहता है आई लव यू और प्यार करता है, और ऐसा नकली बोलते बोलते एक बार असली घंटी बज जाती है, और अभी तुम्हारी जो है ना ये प्यार की असली घंटी बज चुकी है और वो एक बीमारी बन गई है और तुम्हारे बॉडी के अंदर घुस गई है, अभी बीमारी जिंदगी की बात अभी बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, तुम ये कहते हो कि ये बीमारी जिंदगी भर मुझ में से नहीं जाएगी, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि ये बीमारी मेरे करीब ना आए। 37 ईयर्स के बाद आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने पाप पर चला जाऊंगा और वो अपनी नई दुनिया बसाऊंगा। मुझे उस लाइन में काम नहीं करना जिसने मेरी बीवियों को मुझसे छीन लिया, मुझे फिल्म में काम नहीं करना, मुझे फिल्म में काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अब हम एक बाप छह बेटों को मिलकर इस जमीन पर अपनी एक नई दुनिया बसानी है। आओ मेरे बच्चों। ये
मिला, घर के चैन में ही सब चैन है जिंदगी के। एक बाप छे बेटे, एक बाप छे बेटे, एक बाप छे बेटे, एक बाप छे बेटे। अनोखी अपनी ये बस्ती है, ये हर मौसम की अपनी मस्ती है, जब जब निकले ये सूरज पहले इधर ही। बाप छे बेटे, हम आपसे कुछ अर्ज करें। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग इतने तमीज और तहजीब वाले हो गए हो, अर्ज क्या, हुक्म करो। डैडी, अगर आपको इतराज ना हो तो आज हम सब लंच के बाद कहीं बाहर पिकनिक के लिए जाएं। स्विमिंग पूल चले। थैंक यू डैड। सब दूसरा खाना लाओ ना। एक अनार सौ बीमार, पहले सूप पीना बाद में दूसरा खाना लाता। हम एक काम करने वाला, आप एक बाप और छे बेटे। बेटो मेरे बेटो, हम जानते हैं कि हम खानदानी तैराक हैं। अरे पौने आठ मिनट हो चुके हैं, अब तो बाहर निकलियो। भूख लगी है, अभी भोजन का प्रबंध करते हैं। बोल। यस सर। कम हियर। देखो सात ग्रिल चिकन सैंडविच लेकर आओ। ओके सर। अरे ओ टोपी वाला कौन है बे, किधर है? तने किधर आइयो। यस सर। देखो सात प्लेट चना भटूरा। चना भटूरा। और सात मिट्टी की कटोरियों में मीठा दही कलकतिया लाइयो। महाराज ये सब चीजें आपको चौपाटी जो वहां मिलेंगी, यहां नहीं मिलेंगी। ये स्विमिंग पूल है। बॉय। ओह यस सर, यस बॉस। लिसन, 7-3-in-1 आइसक्रीम। ओके। अरे ओ टोपी वाला तने फिर से इधर आइयो। बाकी देखो सात पलट लच्छेदार रबड़ी, रबड़ी और उसपे चिरौंजी और बादाम, और उसपे रत्ती भर गुलाब जल छिड़कियो। महाराज ये सब चीजें आपको लालबाग, भिंडी बाजार और पिलाउस पर मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलेंगी। समझियो। समझियो बेटे कतरो, जा किसी दूसरे खोमचे वाले को बुला के लाइयो। कटाऊंगा, एक बार समझाता हूँ और दूसरी बार Thank you.
ट्यूब में बजाए हवा के। अरे हवा के बच्चे, तू मेरे बेटे को मार रहा है, मैं तुझे पानी में फेंक दूंगा। शायद तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। कौन है? खानदानी तेरा। 8 घंटे पानी में रह सकता हूँ। 16 घंटे मेरा बाप पानी में रहता था। और मेरा दादा आज से 25 साल पहले पानी में कूदा, अभी तक बाहर नहीं निकला। अभी तक नहीं निकला? और इस बार ट्यूब के साथ जब तू पानी में जाएगा तो उम्र भर बाहर नहीं निकलेगा। जेठ, सब बच्चे लोग को काना खा लिया, आप इधर अकेला बैठा। साबू, तुमने सुना होगा जो जैसा करता है वैसी फूल पाता है। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन ही है, मुझे अकेला रहने दो, तुम जाओ बच्चों के पास। होती तो अपने बच्चों को खुश देखकर इतना खुश हो जाती।
इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। डैडी, थेरेपी का मतलब क्या है? ये तुमसे किसने बोला? मेरे क्लास में सब लड़के लोग बोलते कि तुम्हारा डैडी थर्की है। थर्की का मतलब एक शरीफ इंसान। थैंक यू डैडी। मैकी, व्हाट इज स्कोर यार? पक्की भाई, अपने डैडी ग्रेट है ना? नो डाउट अबाउट इट। ग्रेट आदमी से ज्यादा, जब डैडी फिल्मलाइन में थे, ही वाज़ द कंट्री टॉप कॉमेडियन, जो खुद रोते थे और दुनिया को हंसाते थे। उससे भी बड़ी बात है, हमारे डैडी महान थे। मंजू, तुम धरती का मतलब क्या है जानते हो? यस, धरती का मतलब एक शरीफ इंसान। बाहर ये बात किसी को मत बोलना, वरना कोई धोपड़ डालेगा। खरकी का मतलब है जब कोई इंसान अपने बीवी के साथ बेवफाई करे और दूसरी औरतों पर पूरी नजर से लाइन मारे। शराफत की सफेद चादर पर एक बार धब्बा लग जाए तो फिर वो कभी नहीं मिटता। मैं जितना सुधरने की कोशिश करता हूं उतने ही लोग मुझे नए नाम से पुकारते। कोई मुझे ठगी कहता, कोई मुझे क्या कहता, मुझे सुधरने भी नहीं देते, मुझे सुधरने भी नहीं देते, सुधरने भी नहीं देते। अयो इन्ना ये दू, ये क्या साहब, जो वो ने कहा वो हो गया। आज देखो बच्चे लोग कितना खुश है, आप खुश, हम खुश, भगवान भी खुश। आप बच्चे लोगों को बाप का नहीं, आप तो माँ का भी प्यार देता। हमारा अच्छे साहब नहीं, हमारा यजमान नहीं, रोने का नहीं, रोने नहीं, अयो नहीं साहब, रोने का नहीं। हमारा अच्छे साहब नहीं साहब, रोने का नहीं, नहीं साहब, नहीं रोना, नहीं साहब। हमारा साहब ये आंसू पोंछना साहब, नहीं साहब, हाँ नहीं रोना साहब, नहीं। तुम नहीं जानते हो साहब मेरी लाइफ में क्या ट्रेजेडी है। हमको आपके ट्रेजेडी सुनना नहीं साहब, हमको सब मालूम। तुम नहीं सुनोगे तो और कौन सुनेगा साहब? हमको सब मालूम। कुछ नहीं मालूम, छोड़ो साहब, हमको छोड़ो साहब, ये गड़बड़ फिर शुरू हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं साहब, मैं प्यार अंधा होता हूँ साहब, साहब तो मेरी जान है साहब। छोड़ो साहब, ये बहुत बड़ा पाप साहब, छोड़ो, पाप छोड़ो, हमको छोड़ो, बच्चे लोग आ जाएगा, हम तुम्हारी बेटी देते साहब। तुम मेरी बेटी नहीं हो साहब, मैं तुम्हें अपने बच्चों की माँ बनाना चाहता हूँ साहब। ये बहुत बड़ा पाप, कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं, मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। प्यार पवित्र होता है साहब, प्यार पवित्र होता है साहब। उठो ना भारिया, क्या हुआ डैडी? बेटा मुझे तुम्हारी माँ याद आ गई थी। हम लोग है ना आपके साथ डैडी? वो तो है बेटा, लेकिन लेकिन मुझे कुछ अकेलापन महसूस हो रहा था। आज से मैं आपके साथ रहूंगा डैडी। नहीं नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, जाओ जाओ, शाबाश जाओ। ये ये क्या, आज मैंने क्या किया? अयो मुर्गा, ये ना पाव, सब लोग देख लिया, साहब अपने जात पे वापस आ गए। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू हो गया है। पक्की बाबू, मेरे को बहुत डर लगता, मेरे बैग में आदमी की क्या करना? क्या करना, हम लोग ने मम्मी को वचन दिया था
कि डैडी को किसी औरत के नजदीक नहीं जाने देंगे। अरे डैडी किधर गए औरत के पास? डैडी तो साबू दीदी के पास गए। क्या साबू दीदी आप औरत है क्या? मंजूर, फालतू बकवास बंद करो, आप हम लोग को सोचने दो। चलो जाके सब लोग चाय बनाओ। ओके पक्की भाई। साबू दीदी, एक तरकीब समझ में आती है। जैसे ही डैडी तुम्हारे पास आए वैसे ही तुम शोर मचाना शुरू कर दो। हमारा आवाज सुन के कौन आएगा? नहीं अल्लाह, स्कूल जाता। मेरा ख्याल है डैडी शर्मिंदा हो गए, अब फिर ऐसा नहीं करेंगे। एक बार शेर का मुंह में खून लग गया तो वो किसी को नहीं छोड़ता। अब ये भूत फिर चढ़ गया सांप के सिर पे। Excuse me. Yes, accused. हम उतारेंगे ये भूत। सुनो, कहाँ जा रही हो? चेट बुबू। डैडी मेरे पेट में दुखता है, पतले पतले जुलाब आते। पतले पतले जुलाब आ रहे हैं? ठीक हो जाएगा, तुम उतरो। चले दो ना डैडी, क्लास से टॉयलेट, टॉयलेट से क्लास में लेके जाना पड़ता है। बंद करो ना लक्की भाई। चलो 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 श्रेष्ठ, चलो प्लीज प्लीज डैडी। साले मेरे बच्चे बना गए, कोई बात नहीं फिर कभी सही। की बच्ची जैसा हम बोलते वैसा करो। इधर आओ। आता आता वो पीछे घास देख रही सुखी हुई। मैं जाता हूं उधर, तू उधर आ। ये अच्छा बात नहीं साहब, बच्चा लोग भी आज घर में है। बच्चा लोग गार्डन में क्रिकेट खेल रहा है। तुमको नौकरी करनी है या नौकरी छोड़नी है? निकालो भाई सर। तुम्हारा बच्चा लोग को देखेगा, उसके लिए जान भी दे देगा। हम तुम्हारा बच्चा लोग को संभालेगा। आप जाओ जेठ, हम आते हैं। शाबाश माय स्वीट काली कोयल। अब क्या करना, ये सीता को रावण से कैसा बचाना? ये राम लक्ष्मण बच्चा लोग। लक्की
क्या हुआ? चेट हमको गाज का पीछे बुलाया। क्यों? वो ही गड़बड़, कुत्ते का दुम टेढ़ा का टेढ़ा। ट्रबल स्टार्टेड, कम ऑन बॉयज, कॉन्फ्रेंस। ऑल सेट। सब दीदी आप फिकर मत करो, यानी कि मत जाओ, हम आपके साथ हैं। ब्रदर्स ऑन द जॉब। साबु, साबु तुम आ गई, गुड गर्ल। मैंने कल तुम्हें डांटा, आई एम सॉरी डार्लिंग। जेठ, आप डांट सकता, नौकरी से निकाल सकता, हमारा औकात क्या? हम एक मामूली नौकरानी। नहीं साबु, तुम नौकरानी नहीं बल्कि तुम मेरे दिल की रानी हो। मैं तुम्हें अपने बच्चों की मां बनाना चाहता हूं साबू। सब तुम नहीं जानती साबू मेरी लाइफ में क्या क्या ट्रेजेडी है। आई लव यू साबू, आई लव यू। ये उल्लू के पट्टे बच्चों ने कहां से देख लिया फिर मुझे यहां पे? साबू, इन लोगों के आने से पहले तुम मुझे किस दे दो। साबू, साबू, I love you, साबू, I love you, साबू, I love you, साबू, I, साबू, हाँ। लकी बेटे, बहुत दिनों से तुम्हें प्यार नहीं किया था ना, इसलिए प्यार करने को जी का और प्यार किया। बस कीजिए डैडी, हम सब भाइयों को मालूम पड़ गया है और नाटक करने की जरूरत नहीं है। शेम ऑन यू। ये फिर मैंने क्या किया? ये बीमारी मुझ में से कब जाएगी? मैकी, हाँ? जैसा लग रहा है जैसा कि हम लोग मुबारक होटल के सीख कबाब खा रहे हैं। रियली मैकी, फैंटास्टिक मैकी भाई, फैंटाबुलस। अरे मैकी, जरा जल्दी भी करो। ठहरो ना पक्की भाई, कच्चा खाने का आपको। हे, डैड इज कमिंग। Hi kids. delicious. अच्छा बना। मैकी, वो जो एक शीख कबाब बचा है ना, वो मुझे दे दो। सॉरी डैड, वो कुत्ते के लिए। अगर आपको भूख लग रही है तो आप किचन में जाके सैंडविच बना के खा लीजिए। तुम मुझे जवाब दे रहे हो? मैं तो क्या कबाब दूं? मुझे कबाब बच गया था, मुझे क्यों ले गया? क्या आज मैं एक कुत्ते से भी गया गुजरा हो गया? हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं डैडी, आप ही अपने आप को कह रहे हैं। डैडी, आज जो आपने नीच हरकत की है हम उसे अपनी जुबान से भी नहीं दोहरा सकते। दीदी आपकी बेटी की तरह है डैड, आज इन्हें कितना दुख हुआ है जानते हैं आप? हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा बाप इतना गिर सकता है। मैं खुद भी नहीं सोच सकता था आज जो मुझसे हुआ वो मेरे बस में नहीं था। पक्की, मैंने हर बार यही कोशिश की है कि मैं सुधर जाऊं,
टिकट नहीं सुध सका, जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं, मुझे जलील कर रहे हैं। मैं जानता हूं आज जो जलील हरकत मैंने की है उसकी वजह से मैं तुम लोगों की नजरों से गिर चुका हूं। माशाल्लाह से अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, जवान हो चुके हो, बाप को जवाब दे सकते हो, तब तो ये घर भी संभाल सकते हो, फार्म भी संभाल सकते हो, प्रॉपर्टी भी संभाल सकते हो। अब तुम्हें बाप की जरूरत नहीं, मैं ऐसे चला जाऊंगा जहां इज्जत नहीं, मैं वहां नहीं रहूंगा। I'm sorry kids, I'm sorry। मैं मेरे बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगा।
नहीं जाऊंगा। वैसे तो मैं बहुत बड़ा एक्टर था, कई अवार्ड्स भी जीते, लेकिन आज मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। आज के बाद मैं कोई नीच हरकत नहीं करूंगा। अब से तू मेरी बहन है, बेटी है, मुझे माफ कर दे साहब। ये क्या करती है, माफ कर दिया ना? भेजा फिर तुम्हारी बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रोशन जी। हाँ बाबा बोलो। कोई वेटनेरियन डॉक्टर आया कि नहीं? बाबा हमला सूजी तो नहीं आया। ये क्या, ये सब वेटनेरियन डॉक्टर मर गए क्या? तीन दिन से अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, आज तक एक भी डॉक्टर नहीं आया। अभी ब्लू ब्लड को कॉलिक हो गया है। ब्लू ब्लड को क्या हुआ बाबा? कॉलिक हो गया, उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब कहीं हमको भी तो कॉलिक नहीं हुआ? सलाम जे फना वेटनेरियन सर्जन, जल्दी बुला। रोशन जी करेक्ट टाइम पे डॉक्टर आया। थैंक गॉड। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, आपको मुझसे कुछ काम है? मैंने तो डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर हूँ। आप जे फर्नांडिस वेटनेरियन डॉक्टर? जे फॉर जॉयस। लेकिन एक औरत वेटनेरियन डॉक्टर ना तो कभी सुना ना कभी देखा। क्यों, जब एक औरत प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैकेनिक, एस्ट्रोनॉट बन सकती है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो सब कुछ बन सकती है। पहले चल जाए, आप मेरी गोली को देखिए। लेकिन पहले आप मेरी, ये सब मैं बाद में देखूंगा, पहले आप मेरे साथ चलिए। चलिए ले जाओ इसे। डॉक्टर, आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हर। शी इज अ ब्यूटीफुल एनिमल। अब परेशानी की कोई बात नहीं, आपकी ब्लू ब्लड बिल्कुल ठीक है। तो आप भी ये समझ लीजिए कि आपकी नौकरी भी बिल्कुल पक्की है, लेकिन एक कंडीशन है। आपको फार्म पर रहना पड़ेगा, यहाँ आपको कॉटेज मिलेगा। बादर से लिए डॉक्टर, इतना बड़ा फार्म है, इतने घोड़े हैं, एक डॉक्टर का रहना बहुत जरूरी है। मेरा सिर्फ एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज दैट? मैं बेवा हूँ। ओह, मैं भी कुछ ऋषि हूँ। और मेरी एक बेटी भी है। बेटी है? कहाँ? यही है, बुलाओ। हाँ Eileen, come here, darling. Come and meet Uncle Mahesh. You know him? Yeah. Good morning, Uncle. Morning. Mummy, I feel like laughing. इसने आपकी बहुत फिल्में देखी हैं। अच्छा? बेबा, इधर आ। सुनिए बाबा, उन लोग कौन है? वो डॉक्टर है। लेडी डॉक्टर? चलिए मैं आप लोगों को आपका कॉलेज दिखा दूँ। चलिए। साबू दीदी। अयो, ये क्या गड़बड़ जी? काय को इतना जोर से चिल्लाता? एक नई बीमारी आई है डॉक्टर के रूप में। वो डॉक्टर कोई औरत क्या? एकदम प्यार आर जा। वो जवान पोटी क्या? नहीं तो परवाइले बुड्ढी ना। ओ, मिडिल क्लास हा? तो फरवा ये हाय। एक बात सच है, शी वॉज डैम ब्यूटीफुल, एकदम एलिजाबेथ दर्जी की तरह। चुप है, एलिजाबेथ दर्जी नहीं, एलिजाबेथ टेलर बोल। लेकिन वो वैसे भी नहीं लगती, वो मॉडर्न मॉडर्न लगती है। मुझे तो लगता है कहीं डैडी अपनी लाइफ की ट्रेजेडी वाली कहानी ना शुरू कर दें। फिक्र मत करो, डैडी की कहानी शुरू होने से पहले ही हम उसे डी एंड लगा देंगे। कमाल लाख। ए साबुन, ए लॉन्ड्री, हम तुमको कितना साल से बोला, हमारा नाम साबुन नहीं जी, साबू। अरे पर मुंह से निकल जाता, हम क्या करेगा, तुम हमको काहे को बुलाया? हम कितना साल से तुम्हारे पास अपना पगार जमा करता ना। हाँ। आज हमको पगार मिला। अच्छा अच्छा। वो देने का वास्ते तुमको इधर बुलाया। ठीक है ठीक है। मिस्टर लॉन्ड्री,
लॉन्ड्री का लोग कपड़ा साफ करता, ऐसा तो नहीं होएगा कि तुम हमारा पैसा साफ कर दे। There is one thing very famous in this whole world about parties, charity and honesty. कितना सुकून है यहाँ, कितनी शांति है। फिल्मी दुनिया की चमक दमक शोर हंगामे मैंने यहाँ की शांति में डुबो दिए हैं, बस अब यही है मेरी दुनिया। आपकी इस दुनिया में दो अजनबी आ गए हैं, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं आपको अजनबी नहीं समझता। ये आपके बच्चे हैं? हाँ मेरे ही बच्चे हैं, आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं इसलिए बाप के काम में हाथ बटा रहे हैं। बात दरअसल ये है डॉक्टर के, मेरी सेकंड वाइफ अमेरिकन थी इसलिए बच्चों पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस ज्यादा है। That's why, hi, bye. वैसे मेरे बच्चे बहुत नेक हैं और बहुत ही तमीज वाले हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती, आज रात का खाना मेरे यहाँ खाइए, एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा और बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी। Hi, Dad. Hi, kid. I've got news for all of you. We have got a veterinarian doctor for our stud. Really? Ah, क्या डॉक्टर? What a personality. Really? एक इंजेक्शन घोड़ी को मारा और घोड़ी फुदुक फुदुक भागने लगी। Really? लेडी डॉक्टर है, उसकी एक बेटी भी है, मैंने उसे परमानेंट रख लिया है। शी इज ब्यूटीफुल। बच्चे लोग, मैंने डॉक्टर से तुम लोगों की बहुत तारीफ की है, मैंने उससे कहा कि मेरे बेटे बहुत तमीज वाले हैं, बहुत तहजीब वाले हैं, उसको खाने पे भी बुलाया है, तुम लोग कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, कोई ऋषि कपूर लगे, मेरा मतलब कोई कपूर लगे, कोई खन्ना लगे, कोई कुमार लगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी डॉक्टर आए तो मीठी 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 बात करना। डैडी मैं शक्कर खाऊं? तो आपको जो भी खाना है आप वो खाइए, लेकिन बात मीठी कीजिए। आज आज इस घर को ऐसे सजा दो, ऐसे सजा दो जैसे कि शादी होने वाली है। नहीं बेटा, मेरा मतलब ये कि कोई मेहमान जब घर में आए तो इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, आज का डिनर एक यादगार होना चाहिए। आप भरोसा रखिए डैडी, आज का डिनर एक यादगार डिनर होगा। मम्मी कितना अच्छा घर है ना। हाँ, यू नो दे वेरी डिसेंट पीपल। चलो माचिस है क्या साला, दूसरे से क्या पूछता है, ये ले। थैंक यू यार। तुम दोनों इतने छोटे हो और बीड़ी पीते हो? ये दो छोटे हैं इसलिए बीड़ी पीते, हम दोनों सिगरेट पीते। और जो हमारे से दो बड़े हैं, एक चुरुट पीता है और दूसरा गांजा। अच्छा तो आप पॉप सिंगर हैं? जी मेरा बाप सिंगर नहीं है, मैं सिंगर हूँ। तुम समझे नहीं, मैंने कहा तुम पॉप सिंगर हो। I don't know. दूसरों का जवाब आप देते हैं? जी दूसरों का जवाब मैं देता हूँ। और कोई आपसे सवाल करे तो? तो मैं चुप रहता हूँ। बदतमीजो, भूल गए डैडी ने क्या कहा था? क्या आंटी से मीठी मीठी बातें करने? सॉरी पक्की भाई, सॉरी आंटी। इट्स ऑलराइट डैडी। लड्डू, पेड़ा, बर्फी, ये सब तुम लोग खिलाओगे क्या? नहीं, हमारे डैडी ने बोला था कि मीठी मीठी बातें करना, इसलिए हम लोग लड्डू पेड़ा बोल रहे। गॉट इट? ए, डैडी से मिलने का है, सिगरेट बीड़ी सब फेंक दो। एक्सक्यूज मी, खाना तैयार है, चलिए
लेडीज फर्स्ट। ये देखिए कौन आए हैं। I'm sorry. I'm sorry. बेटा मैंने तुम लोगों से कहा था कि फूलों से सजा देना। I'm sorry, daddy. लेकिन फूलों का सीजन खत्म हो चुका है। अच्छा। इसलिए हम लोग ने घास और पत्तियों से घर को सजा रखा है। मैंने कहा था ना कि घर में अमेरिकन इन्फ्लुएंस ज्यादा है। daddy, आज रात का डिनर एक यादगार डिनर होगा। हाँ वो अरे डिनर टेबल तो बहुत अच्छा लगा हुआ। चलिए प्लीज प्लीज चलिए। बैठो ना बेटा बैठो। क्या हुआ? गोबर किसी ने कुर्सी पे रख दिया। गो ये किसकी हरकत है? भैंस की। ओ यू नहीं, नहीं बच्चों को डांटिए मत। आई मीन उधर बैठ जाएगी। पापा उधर बैठ जाएगा। आई मीन शिफ्ट कर दिया। I'm sorry. I'm sorry. It's all right. आप लोग शुरू करिए ना खाने के लिए। मैंने आपके हाथ से खास तौर से मुर्गा मसाला बनाया है। सेठ। हाँ। मुर्गा का मसाला तैयार। I'm coming. Excuse me. ए साबू अच्छा बना ना? बहुत अच्छा एकदम ताजा। अच्छा? अभी तक इसका बोटी फड़फड़ करता। चॉइस ये है आपके वास्ते खास डिश मुर्गा मुसल्लम। I'm sorry. Thank you.
की छठी औलाद बन के काटे से मछुरी लेके यहाँ चले आए? हम तो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि तुम तुम्हारी माँ के साथ यहाँ से चली जाओ। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा बाप तुम्हारी माँ से शादी करे। ये किसने कहा कि मेरी मम्मी तुम्हारे डैडी से शादी कर रही है? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। रियली? फिर तो हम लोग दोस्त हैं। लेट्स शेक हैंड्स। स्टॉप इट। एक लड़की के साथ में 6 लड़के कैसे हाथ मिला सकते हैं? मैं आप लोगों की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। शेक मैम, बाय द वे आपका नाम क्या है? आइली। मेरा नाम लक्की है। डॉक्टर, मैं कल से सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे दिल खोल के बात करूँ। हाँ हाँ, कीजिए ना। एक्सक्यूज मी डैड, मेरे लिए कुछ काम हो तो? हाँ बेटा, तुम एक काम करो, तुम भैंसों के पास चले जाओ और देखो कस्टमरों को दूध पहुंचा के नहीं। ओके डैड। बच्चों ने तुमसे माफी मांगी? माफी कब? इसका मतलब ये बच्चों ने तुमसे माफी नहीं मांगी। यही तो रोना है डॉक्टर, मैं दिन रात फार्म में बिजी रहता हूँ और बच्चे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तुमने ठीक ही कहा था कि इन बच्चों को माँ की जरूरत है। एक्सक्यूज मी मम्मी, क्या मैं लकी के साथ मोटर बाइक चलाना सीखने जा सकती हूँ? श्योर डार्लिंग, गो अहेड। थैंक यू मम्मी। तो मैं ये कह रहा था कि डैड, क्या मैं आइलिन को मोटरसाइकिल सिखा सकता हूँ? हाँ बोला ना, जाओ ना। थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि मेरी लाइफ में कितने ट्रेजेडीज हैं, कितने दुख हैं। डैडी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? वो भूल गया। तो मतलब रात को घर में बोल देना। अच्छा डैडी। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी लाइफ में कितनी ट्रेजेडीज हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा था। वैसे मैं पहले लोगों को हंसाता था, आज मैं हंस रहा हूं, लेकिन मेरे सिर्फ होंठ हंस रहे हैं, लेकिन दिल दुखता है, दिल दुखता है। डैडी, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। लेकिन तुम्हारा दिल राइट में कैसे आ गया? तुम्हारा दिल लेफ्ट में होगा। तुम्हें गैस ट्रबल है, जाके इनोसॉर्ट लो। ओके डैड, जाओ। आप कुछ कह रहे थे? हाँ डॉक्टर, मैं ये कह रहा था, मैं इतना दुखी इंसान हूँ और मेरे दुख के पीछे इतने आंसू हैं जो किसी को नहीं मालूम। क्या बात है मंसू? मंसू भाई ने मेरे को मारे। क्यों मारे? क्योंकि मंसू भाई ने आंटी से माफी नहीं मांगे। तो फिर तुम आंटी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? सॉरी आंटी। डॉक्टर, तुमने देख लिया मेरा दुख क्या है? देख लिया। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। बताइए क्या कर सकती हूँ मैं? यहाँ नहीं बता सकता, बच्चे परेशान करते हैं। दोपहर में बच्चे सो जाते हैं, स्टेबल्स के पीछे जो आपका झाड़ है ना, मैं वहां 3 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओगी ना? जी नहीं आना चाहती? आऊंगी। अरे साबू, ये बच्चे लोग खाना खा के सो गए कि नहीं? खाना खाया वो मालूम, सोया ये मालूम नहीं। साहब साहब, वो अपना रुस्तम जी बाबा है ना, अपना मैनेजर, वो ऑफिस से फाइल लेके घर आता मिलने के लिए। वो घोड़े लोग पानी पीता ना, ताकि मर गया। हाँ लॉन्ड्री मर गया। तिवारी जी,
तुम्हें काम करो बोटी, जैसे पार्टी लोग करते हैं ना, ये बाबा के लिए भी वैसे कर दो। अरे साहब, ये पोरा दाने क्या कर रही है? इसका मतलब साहब, ये मर गया तो मर गया हर वाइल, लेकिन कबाट का चाबी किधर चोर के मर गया। पर कबाट का चाबी तेरे को क्यों चाहिए? अब सब लोग का पैसा इस मैनेजर के पास कमाता, इसीलिए बोलते हैं साबू कि अपना पैसा अपने पास रखो, ना अपने भाई बहन या दोस्त या रिश्तेदार किसी पे भरोसा मत करो, बैंक में रखो और संडे की शाम को वापस लौट आएंगे। प्रॉमिस तो नहीं करती, बट आई ट्राई, मेरी कसम। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर फॉर कमिंग। मैंने सोचा था शायद तुम नहीं आओगे। नहीं, कैसे आती, आपने बुलाया जो था। तुम मेरे बुलाने पे आई हो डॉक्टर, या अपने दिल से? जिंदगी में बहुत से काम मजबूरन करने पड़ते हैं, लेकिन यहां मजबूरी नहीं लाई, मैं खुद आई हूं। जॉयस, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आई लव यू, तो ये ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि ये लव्स मैं कई बार कह चुका हूं, पर जॉयस आई लाइक यू। But I love you. I love you because you're so frank, so straight. Joyce, कल सैटरडे है, फार्म पे कोई काम नहीं, क्यों ना हम लोग ऊटी चले जाएं? संडे शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन इस तरह जाने से आइलिन क्या कहेगी? That is your problem. तुम तुम्हारा प्रॉब्लम देखो, मैं मेरा प्रॉब्लम देखता हूं। ओके, आई ट्राई। योर नेम सर? मिस्टर एंड मिसेस तांबे वाला। पर्पस ऑफ विजिट सर? नहीं, प्लीज साइन इन। ओह या, वेटर, कमरा नंबर 312 साहब के लिए। Darling, this damn car is too small for long journey, I tell you. Hi there. Good morning, sir. Morning. Your name, sir? Mr. and Mrs. Ross. Pitalwala. Purpose of your visit, sir? Shahid Chan. What, sir? Honeymoon. Honeymoon? क्यों? क्या पुरानी कड़ी को उबाल नहीं आ सकता? क्या हम बुढ़ापे में हनीमून नहीं मना सकते? I'm sorry, sir. Please, वेटर की जरूरत नहीं, आप चाबी लाइए, हमारे पास सामान नहीं है। रोमांटिक टू, अगर जरा सर्दी लग रही हो तो मैं तुम्हारे करीब आके बैठ जाऊं। थैंक यू, एक दूसरे के करीब बैठने से सर्दी जरा कम लगने लग गई है, ऐसा लगता है जैसे कि 200 ब्लैंकेट एक साथ ही ओढ़ लिए हो। जॉयस, तुम नहीं जानती मेरी लाइफ में क्या क्या ट्रेजेडीज है। मेरे होठों पर हंसी है, लेकिन मेरे दिल में खून के कतरे आंसू बनकर टपा टप टपक रहे हैं। मैं तुम्हारे और करीब आऊं? नहीं, सर्दी तो गायब हो गई, अब तो गर्मी लगने लग गई है। क्यों ना हम बाहर जाकर पिकनिक मनाए? आइडिया, गुड आइडिया। देखो हाँ, मुन्ने का पेट देखो, मुटे का पेट देखो।
तेरी चाल बुड्ढी झुमत झुमा झुमरी बुड्ढी बुड्ढी तेरी चाल बुड्ढी झुमत झुमा झुमरी बुड्ढी बुड्ढी की चाल देखो हाँ प्यारी की चाल देखो प्यारी की चाल देखो हाँ दुबली की चाल देखो प्यारी की चाल देखो हाँ दुबली की चाल देखो हाँ लंबी की चाल देखो गन्ने का झाड़ देखो गन्ने का झाड़ हाय हाय बुढ़े तेरी चाल बुढ़े झूमती झुमा झूम रे बुढ़े बुढ़े तेरी चाल बुढ़े झूमती झुमा झूम रे बुढ़े सुना तेरी चाल बुढ़ी सुना तेरी माँ सुना तेरी
बात सुना बुड्ढी तेरे चार पेट में सोना सोना के दाता देखो बुड्ढी के पैर मम्मी हरी सोना के दाता बुड्ढी के मुन्नी के पैर डैड सन तुम यहाँ क्या कर रहे हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं मैं तुम्हारी आंटी के साथ घूमने आया हूँ मैं आंटी की बेटी के साथ घूमने आया हूँ मैं तुम्हारी आंटी से प्यार करता हूँ मैं आंटी की बेटी से प्यार करता हूँ मैं तुम्हारी आंटी से शादी करने वाला हूँ मैं आंटी की बेटी से शादी करने वाला हूँ बट शी इज अंडर एज डैड यू आर ओवर एज ओवर एज तो आप दोनों घर चलकर फैसला करेंगे या यही सड़क पर भोगते रहेंगे अब तुम लोगों ने सब सुन लिया हम तो सब कुछ समझ चुके हैं डैडी फिर भी आप समझाइए क्या समझाना चाहते हैं आप ये अंदाज़ है तुम लोगों के बात करने का मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम लोग मेरे बाप हो मैंने क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए दुनिया का हर सुख छोड़कर इस वीराने में आग बढ़ाओ दुनिया के सभी बाप यही करते हैं डैडी दुनिया का हर बाप फिल्म स्टार नहीं होता मैंने तुम लोगों के लिए लाखों और करोड़ों रुपए का कैरियर छोड़ दिया जिसके पास लाख होता है वो लाखों छोड़ देते हैं डैडी और जिसके पास करोड़ होता है वो करोड़ छोड़ देते हैं ना शुक्रो ना लायको मैंने करोड़ों रुपए का फार्म बनाया है तुम लोगों के लिए एक एक के नाम पे ट्रस्ट बनाया है इतना रुपया कमाया है कि तुम तो क्या तुम्हारी साथ पीढ़ी भी खा सकती है मैंने तुम्हारी आने वाली जिंदगी भी बना दी है आप आने वाली जिंदगी के बारे में बात करें डैडी और हम आज की और गुजरे हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं कल जो आपने किया वो मम्मी ने हमें बता दिया और आज जो आप कर रहे हैं वो हम हमारी आंखों से देख रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं कोई नाजायज काम कोई गुनाह का काम सॉरी अंकल आपको शर्म आनी चाहिए बेटे आपकी शादी के लायक हो चुके हैं और आप किस उम्र में प्यार का नाटक कर रहे हैं यू कीप क्वाइट आइरीन हम दोनों जो भी कर रहे हैं तुम सब बच्चों के भलाई के लिए कर रहे हैं तुम्हें बाप चाहिए तुम्हें बाप मिल जाता है इन बच्चों को माँ चाहिए इन्हें माँ मिल जाती है मैं जॉयस से शादी करना चाहता हूँ आप शादी नहीं कर सकते डैडी तुम तो क्या दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती हम आपको रोकेंगे डैडी किसी औरत के नजदीक आपको जाने नहीं देंगे हमने मम्मी से वादा किया था कि आपको तीसरा मर्डर करने नहीं देंगे मरने का बच्चा लके अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं देखता हूँ कि तुम लोग मुझे कैसे रोकते हो मैं जॉय से शादी आज ही करूंगा ये मेरा फैसला है डैडी आपका फैसला बदल नहीं सकता सॉरी मंजू मैं अपना फैसला किसी कीमत पे नहीं बदल सकता तो हमारा भी फैसला सुन लीजिए डैडी हम सब घर छोड़कर जा रहे हैं तुम क्यों चुप हो पक्की मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है डैडी पक्की भाई कम ऑन बच्चों को रोकिए ना ये बात अच्छी नहीं प्लीज प्लीज मेरे दोनों मम्मी को साथ ले जाओ चलो साबुत दीदी जाओ सब चले जाओ ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लोगों के बिना नहीं रह सकता जब दो दिन खाने को नहीं मिलेगा तो भीख मांगते हुए वापस आओगे इस काब में मत रहना साहब साहब जिंदा है भगवान ना करे ये बच्चा लोगों को आपका सामने हाथ फैलाना पड़े तो जाओ खड़गी हो ऐसा नहीं साहब आज साहब आपको कुछ सुना के जाएगा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता आपको सुनना पड़ेगा साहब आज हम आपको आपका असली मुंह दिखा के जाएगा आप बाप बोलने का लायक नहीं है साहब बाप तो वो होता जो अपना बच्चा लोग का खुशी के वास्ते अपना खुशी कुर्बान करता अगर आपने कुछ कुर्बान किया तो बच्चा लोग का खुशी कुर्बान किया अपना खुशी के वास्ते किसी मुंह से दावा करता आप बाप होने का क्या दिया है आपने बच्चा लोग को पैसा आप क्या समझता साहब क्या पैसा ही सब कुछ होता है पैसे से जिंदगी नहीं बनता साहब अगर प्यार मिले तो आदमी पैसे को भी लात मारता कितना प्यार दिया आपने आप अपना दिल से पूछो बच्चा लोग छोटा छोटा था तभी माँ का प्यार छिन गया दोनों माँ को आपने मार डाला माँ का प्यार वो दौलत है साहब उसके आगे दुनिया का कोई भी दौलत कुछ नहीं आप अपना पैसा और होने वाला बीवी को संभालो
लेकिन एक बात याद रखना साहब, अभी साहब जिंदा है, बच्चा लोगों के वास्ते मेरा जान तो क्या, अगर मेरे को मेरा इज्जत भी देना पड़ेगा तो देगा, लेकिन एक बार घर से बच्चा लोगों को लेके गया तो पीछे वापस नहीं आएगा जब तक आप नहीं बुलाएगा, क्योंकि साहब साहब का एक आदत बहुत गंदा आदत है साहब, हम एक बार छूटता पीछे चाटता नहीं, वेलकम। मैं कहती हूँ बच्चों को रोक लीजिए, ये बात अच्छी नहीं। मैं जानता हूँ जॉयस, अब तुम में ममता आ चुकी है, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि मैं कितना जिद्दी इंसान हूं, अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो मैं अपने आप को शूट कर दूंगा। मैं कब इनकार कर रही हूँ शादी से? मनी, यू कीप क्वाइट आइलीन। देखो महेश, शादी इस वक्त तो नहीं हो सकती, शादी होगी जरूर होगी, लेकिन कल। प्रॉमिस चॉइस। मैं अपनी बच्चे की सर की कसम खा के कहती हूँ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। आइलीन, आइलीन, मेरी बात तो सुनो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रही हूँ। आज से आपकी बेटी मर चुकी है। थैंक यू जॉयस, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रोमांस और मेरी शादी का तुम फुल स्टॉप हो। एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे सकता कि आई लव यू, सिर्फ यही कह सकता हूं कि आई लाइक यू, लेकिन जॉयस आज मैं तुमसे कहता हूं कि आई लव यू, आई लव यू माय डार्लिंग, माय लव, माय हार्ट, आई लव यू। साहब एक शादी हो रहा है, आप दोनों के शादी उसके बाद। थैंक यू चॉइस, फिर से जाओ। आई लव यू चॉइस। मैं क्या देख रहा हूं, आइलीन और लकी की शादी, ये कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। चेट, आप थोड़ा लेट, शादी भी हो गया, बाजा भी बज गया। अरे मैं भोंगा बजवा दूंगा, ये शादी कैसे हुई, किसकी मर्जी से हुई, लड़की नाबालिग है, अंडर एज है, बगैर माँ की इजाजत के शादी नहीं हो सकती, किसने इजाजत दी? हाँ महेश, ये शादी मेरी मर्जी से हुई। तो तुमने मुझे धोखा दिया, अपनी बेटी की झूठी कसम खाई? नहीं महेश, मैंने सच्ची कसम खाई थी, मैंने कहा था शादी होगी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शादी हो गई, मैंने ही इन दोनों को इजाजत दी थी। जॉय, तुमने मुझे साफ साफ कहा था कि तुम उसे प्यार करती हो, मुझे से शादी करोगी, और अब तुम मुझे धोखा दे रही हो। धोखा हम दोनों ने अपने आप को दिया महेश, हम उम्र की उस मंजिल में नहीं जो अपनी शादी करें, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं, पल भर की नादानी में हम अपनी हैसियत भूल बैठे थे, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों की नजरों में गिर गए, इसीलिए मैंने सोचा सबसे अच्छा रास्ता यही है। अब इनकी खुशी छीन कर क्या तुम खुश रह सकते हो? इन बच्चों को माँ की जरूरत है, और आज इन्हें एक नहीं दो माएं मिल गईं। मैं और साबू, आओ महेश, इन बच्चों को ब्लेसिंग्स दे दो, अपने बेटे में अपना प्यार देखो, भूल जाओ उन बुरी आदतों को, और एक शरीफ इंसान बन जाओ। नाउ तू